हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ जेनाइटल डक्ट। इससे समझने से पहले आपको गोनड्स का डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा समझ लेना चाहिए। अगर आपने नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को जो है वो देख लें, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनड्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा रिव्यू करवा देती हूँ कि क्या होता है जब डेवलपमेंट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। गोनड जो कि बायोपोटेंशियल होते हैं, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, उनमें जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से हार्मोन जो है रिलीज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब डेवलपमेंट होता है, अब गोनड्स का जब डेवलपमेंट शुरू होता है वो जेनाइटल रिज से होता है। जेनाइटल रिज जो है वो एक रिज जो है टिश्यू बनते हैं एट द सेंटर ऑफ द मीजोनेफ्रॉन। और फिर क्या होता है कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल होते हैं, जो कि मीजोडर्मल सेल होते हैं, वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द जेनाइटल रिज। और वहाँ जाकर, क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन में मूव करते हैं, और फिर जो है जैसे ही रिज के ऊपर पहुँचते हैं वहाँ पर जो है ये प्रोलिफिकेट कर जाते हैं, आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये प्रिमिटिव सेक्स कोड बना लेते हैं। ये प्रिमिटिव सेक्स कोड जो है फर्दर टेस्टिस और ओवरी जो है वो बनाते हैं, उनके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया है, ओगोनिया जो है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है, जो कि पेरिटोनियल मीजोथीलियम की एक इन्वेजिनेशन होती है, उसके फॉर्म में ओरिजिनेट होती है ऑन द लेटरल साइड ऑफ द जेनाइटल रिज। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जेनाइटल रिज है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल आते हैं और ये बना लेते हैं प्राइमरी सेक्स कोड। यहाँ पर ये रीजन में आप देखेंगे, यहाँ पर ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है, जिसको हम मुलेरियन डक्ट बोलते हैं, वो फॉर्मेशन होती है। जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये जो है वो वोल्फियन डक्ट का काम करेगी, और जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है वो मुलेरियन डक्ट का काम करती है। तो यहाँ पर इसकी ओरिजिनेशन होती है यहाँ पर, और फिर ये रिज के लेटरल साइड में जो है वो मूव करती है दोनों साइड के, और बिल्कुल जो वोल्फियन डक्ट है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करती है। जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं मेडुला में इन द फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव सेक्स कोड, और ये प्रिमिटिव सेक्स कोड जो है फर्दर इनकी जब डिफरेंशिएशन होती है तो ये यू शेप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि कैनलाइज, जिनके अंदर जो है एम्प्टी स्पेस रहता है, और वो बना लेती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो पेरिफरी होती है वो बना लेती है रेटी टेस्टिस। यहाँ पर आप देखेंगे ये यू शेप के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, कैनलाइज्ड होते हैं, यानी कि इनके अंदर कैनाल प्रेजेंट है, एम्प्टी सा स्पेस है, ये रेटी टेस्टिस बन गई हैं। ठीक है, और जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। जो लेडिक सेल होते हैं, जो कि मीजोडर्मल ओरिजन के होते हैं, जो सर्टोली सेल होते हैं वो सरफेस सेल से ओरिजिनेट होते हैं। जो इनके चारों तरफ जो मिजनकाइम सेल प्रेजेंट होते हैं वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया बना लेते हैं, मीडिया स्टेनियम टेस्टिस बना लेते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू हैं, और सेप्टुला टेस्टिस बना लेते हैं जो कि लोब्यूल जो बनते हैं। ठीक है, ये लोब्यूल जो हैं ये बना लेते हैं, और आउटर में जो है वो सर्टोली सेल, सरफेस के ऊपर सर्टोली सेल जो है प्रेजेंट होते हैं। ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये देखिए ये मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ये फर्दर जो है मेल के अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाती हैं। और इसके अलावा तुम्हें ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट दिख रही है, ये वाली, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ये कहलाएगी मुलेरियन डक्ट। अगर इसकी डेवलपमेंट होती है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बनता है। तो दोनों के अंदर जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो बनाती है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है वो बनाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब ये जरूरी नहीं है कि जितने भी टिश्यू होंगे वो बाइपोटेंशियल होंगे। जैसे हमने बताया कि जो गोनड्स होते हैं वो बाइपोटेंशियल है, उनकी जो डिफरेंशिएशन है, जो डेवलपमेंट है वो वेरी कर सकती है कि वो गोनड जो हैं वो टेस्टिस बना सकते हैं या ओवरी बना सकते हैं। वो SRY जीन जो कि वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं वो डिसाइड करते हैं। लेकिन जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो दो रूडिमेंट्री डक्ट सिस्टम से ओरिजिनेट होता है। अब ये दो रूडिमेंट्री जो डक्ट हैं, इनमें से एक डक्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है, एक
सेक्स के अंदर, मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो दो रूडिमेंट्री डक्ट होते हैं इनको पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जिसको मुलेरियन डक्ट कह रहे हैं, या मीजोनेफ्रिक डक्ट जिसको वोल्फियन डक्ट होते हैं, दो होती हैं। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती हैं ये पेयर डक्ट होती हैं जो लेटरल साइड जेनाइटल रिज से डाउनवर्डली मूव करती हैं और साइनस ट्यूबकल में जो प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस है उसके अंदर एंड होती हैं। फीमेल के अंदर ये फेलोपियन ट्यूब बनाएगी, यूट्रस बनाएगी, सर्विक्स बनाएगी, अपर जो 1/3 ऑफ वजाइना जो है वो बनाती हैं, मुलेरियन डक्ट, याद रखना है। दूसरी मीजोनेफ्रिक डक्ट है जिसको वॉल्फियन डक्ट बोलते हैं, ये प्रिमिटिव किडनी को कनेक्ट करती है, यानी कि जो प्रोनिफ्रोन है, म्यूजोनिफ्रोन है, उनको, उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है और ये मीजोनेफ्रोन को क्लोइका के साथ जोड़ती हैं। अब यही जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है मीजोनेफ्रिन डीजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो यूरोजेनाइटल सिस्टम, मेल यूरोजेनाइटल सिस्टम का प्राइमोडियम बनाती है जो कि फर्दर बनाएगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी इंटू एपिडाइडमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल के अंदर। तो पिक्चर में आप देख पाएंगे ये दोनों तरह की डक्ट बनी, वोल्फियन डक्ट है और सेंटर के अंदर जो है वो मुलेरियन डक्ट होती हैं। अगर मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा और अगर वो डीजनरेट हो जाती हैं तो वोल्फियन डक्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बना लेती हैं। और ये डिपेंड करता है हार्मोन, कैसा हार्मोन जो है वो सिक्रीट किया जा रहा है, बाय सर्टोली सेल या बाय लेटिक सेल, ठीक है। तो ये गोनड्स हैं, मीजोनेफ्रोन है, मुलेरियन डक्ट है, वोल्फियन डक्ट है, ठीक है। और ये अगर वोल्फियन डक्ट आप देखेंगे यहाँ पर, वोल्फियन डक्ट यहाँ डीजनरेट हो गई इस केस के अंदर तो ओवरी की डेवलपमेंट हुई। यहाँ पर आप देखेंगे जो है वोल्फियन डक्ट है, मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर टेस्टिस की जो है वो डेवलपमेंट हो गई। अब है वोल्फियन डक्ट, कई बार ना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं वोल्फियन डक्ट पे नोट लिखो या रूडिमेंट्री डक्ट के ऊपर नोट लिखो, कई बार दोनों डक्ट के ऊपर आ सकता है, कई बार सिंगल डक्ट। तो वोल्फियन डक्ट जो होती हैं जिनको मीजोनेफ्रिक डक्ट है जो कि इंटरमीडिएट मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती हैं, इनका डेवलपमेंट में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं। ये डक्ट जो है 3 सक्सेसिव जनरेशन के अंदर जो है वो इंड्यूस करती है किडनी को। अब यहाँ पर 3 जो सक्सेसिव जनरेशन किडनी होती है वो प्रोनेफ्रोन, जिसको फर्स्ट जनरेशन किडनी बोलते हैं, मीजोनेफ्रोन, सेकंड जनरेशन किडनी और या फिर वो मेटानेफ्रोन होते हैं जो कि डेफिनेट किडनी की तरह जो है वो काम करती हैं। यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली सबसे पहले जो मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है वो फर्स्ट जनरेशन किडनी जिसको प्रोनेफ्रोन होती है उसको जो है ड्रेन करती हैं। प्रोनेफ्रोन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, फिर आते हैं मीजोनेफ्रोन। मीजोनेफ्रोन जो है वो एक्सक्रीटरी डक्ट का काम करती हैं जो कि सेकेंड जनरेशन किडनी होती हैं, वो जैसे ही डीजनरेट होते हैं लेकिन मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है और वो बना लेती है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। लेटर जो है धीरे धीरे जैसे ही मीजोनेफ्रोन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम तो होगा ही बॉडी के अंदर, तो जो डेफिनेटिव किडनी होती है जिसको मेटानेफ्रिक किडनी है वो एग्जिस्टेंस में आ जाती है, लेकिन मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का रोल प्ले करती है जिसको हम बोलते हैं वोल्फियन डक्ट। ये देखिए 7 to 8 वीक के अंदर आप देखेंगे मेल के अंदर टेस्टिस हैं, ठीक है, वही डिफरेंशिया डक्ट्यूल्स बना लेती हैं, फिर वो जो एपिडाइडमस बना लेती है कन्वोलेटेड, और यहाँ पर ये मीजोनेफ्रिक डक्ट जो ग्रीन कलर की आपको एग्जिस्टेंस में बिल्कुल ब्राइट सी दिख रही हैं वो वास डिफरेंस और फिर जो है वो सेमिनल वेसिकल, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो बना लेती हैं, सॉरी जेनाइटल डक्ट जो है वो बना लेती हैं। और इसके अलावा जो ये सेकेंड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है जो कि मुलेरियन डक्ट है वो डीजनरेट हो जाती है 7th और 8th वीक में शुरू होती है और आप देखेंगे बर्थ के टाइम तक, बर्थ के टाइम पर इसकी पोजीशन इस तरह की होती है।
ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ट्राइगोन बना यहाँ पर। यहाँ पर आप देखिए कि जो किडनी टेस्टिस थी जो कि पहले एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट थी, अब जो है वो पेल्विक रीजन में डिसेंड हो जाती हैं। सेमिनल वेसिकल बन जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बन जाती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बन जाती है, जो टेस्टिस हैं, यूरेथ्रा है, पेनिस है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो भी बन चुके होते हैं। मेल के अंदर यही जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, जो वोल्फियन डक्ट होती हैं, क्या होती हैं कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट मीजोनेफ्रोन ख़त्म हो गए, मीजोनेफ्रोन ख़त्म हो गए, लेकिन उनकी जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं वो डक्ट्यूलाई एफरेंशिया, जिसको वास एफरेंशिया बोलते हैं, वो बना लेती है। जो क्रेनियल का मतलब जो हेड रीजन होता है, एंटीरियर पार्ट जो होता है वोल्फियन डक्ट का, वो एपिडाइडमस, अपेंडिक्स एपिडाइडमस और रेटी टेस्टी बना लेता है। जो इन्फीरियर पार्ट होता है वोल्फियन डक्ट का, वो इलोंगेट हो जाता है, कन्वोलेटेड हो जाता है, वो बना देता है एपिडाइडमस। जो बाकी जितना वोल्फियन डक्ट होती है वो ग्रेजुअली जो है डेवलप हो जाती है, थिक मस्कुलर कोट और फॉर्म द डक्टस या जो वास डिफरेंस जो है वो बना लेती है। वोल्फियन डक्ट जो है सेमिनल वेसिकल बनाती हैं, जो कि कोडल एंड, जो वोल्फियन डक्ट का जो कोडल एंड होता है वहाँ पर लेटरल डाइवर्टिकुलम के फॉर्म में ये ओरिजिनेट होती है। जैसे ये देखिए, ये वोल्फियन डक्ट है, ठीक है, ये एज ए लेटरल डाइवर्टिकुलम जो है सेमिनल वेसिकल बन गई। अब यहाँ पर आप देखिए, ये फिफ्थ वीक के अंदर ये प्रोनेफ्रोन ख़त्म हो गए, मीजोनेफ्रोन ख़त्म हो गए, लेकिन ये डक्ट रह गई। और ये ट्यूब्यूल जो है इन्होंने वास एफरेंशिया और फिर रेटी टेस्टिस और जो है इस तरह से ये डेवलप हो जाते हैं रेटी टेस्टिस में। और फिर बाकी जो है ये जो वोल्फियन डक्ट होती हैं ये कन्वोलेटेड हो जाती हैं एपिडाइडमस, और फिर जो है वास डिफरेंस बना लेती हैं। और फिर लेटर स्टेज के अंदर जो है ये सेमिनल वेसिकल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लेटरल डाइवर्टिकुलम के फॉर्म में जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, और फिर जो है ये यूरेथ्रा के अंदर जो है वो ओपन आउट हो जाती हैं ये, और फिर लास्ट में एट द बर्थ से पहले जो है वो डिसेंड हो जाती हैं। अब मीजोनेफ्रिक डक्ट जो धीरे धीरे जैसे ही डिफरेंशिएट हो जाती हैं डिफरेंट पार्ट के अंदर, ये ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। अब फाइब्रस लिगामेंट आ जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं टेस्टिस को कनेक्शन के लिए, ये टेस्टिस को एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा, ये गोनड्स को जो कि एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट थे, चाहे वो टेस्टिस हैं ओवरीज हैं, उसको पेल्विक रीजन के तक लाने में भी हेल्प करते हैं। अब गुबर्निकुलम जो होता है वो गोनड्स को जो एब्डोमिनल वाल है उसके साथ जोड़ते हैं बाय लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग के द्वारा। अब यहाँ पर जो पेरिटोनियल इन्वेजिनेशन होती है, जिसको हम प्रोसेसेस वेजिनेलिस बोलते हैं, वो गुबर्निकुलम को फॉलो करती है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली जो है वो। जैसे अब यहाँ पर देखिए, ये येलो कलर जो है आपको पेरिटोनियम दिख रहा है, और इसमें ये इवेजिनेशन हुई, और ये जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है ये गुबर्निकुलम है, इसको फॉलो किया, ठीक है। और इस तरह से ये ब्लैक कलर की गुबर्निकुलम है, ये पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम की ये देखिए ये बना ली वेजिनेलिस प्रोसेसेस, और ये धीरे धीरे जो है इस तरह मूव करती है। गुबर्निकुलम का साइज देखिए छोटा हो गया, और ये वेजेनालिस जो है वो बड़ी होती जाती है, और धीरे धीरे ये होल्ड कर लेती है, और जो टेस्टिस होती हैं वो इस यूरेटर को क्रॉस करती हुए नीचे की तरफ मूव कर जाती हैं, डिसेंड हो जाती हैं। इसी तरह जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे तो वहाँ पर भी देखिए, ये जो आपको मस्टर्ड कलर की दिख रही है ये गुबर्निकुलम है, जो कि ओवरी को एब्डोमिनल वाल से जोड़ती हैं, यूट्रस के साथ कनेक्शन करती हैं। प्लस में यहाँ पर देखिए, ये जो लिंगुअल कैनाल होती हैं उसके बीच में से आप देखिए ये लिगामेंट जो हैं, जो कि प्रोसेसेस वेजिनेलिस होती है, वो जाती है और फिर ये होल्ड कर लेती है, ठीक है, जिसके कारण एक
जो डिसेंडिंग का काम होता है, जो लोअरली जो डाउनवर्डली मूवमेंट होती है फ्रॉम एब्डोमिनल से पेल्विक रीजन में, वहाँ पर हेल्प करती हैं। यही गुबर्निकुलम अगर फीमेल की बात करें तो वहाँ पर जो है ओवेरियन लिगामेंट्स हैं जो कि क्रेनियल एंड पे प्रेजेंट हैं, और कोडल लिगामेंट्स जो होते हैं वो राउंड लिगामेंट्स हैं। ठीक है, तो गुबर्निकुलम के जो अपर पार्ट है क्रेनियल की तरफ है वो ओवरी लिगामेंट है, और जो कोडल एंड की तरफ जो लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं वो राउंड लिगामेंट है। तो गुबर्निकुलम जो है वो फाइब्रस लिगामेंट्स होते हैं। ये अबाउट 7th week ऑफ डेवलपमेंट में मेल फीटस के अंदर यही गुबर्निकुलम जो है वो टेस्टिस को जो है वो पुल करता है इनटू द स्क्रोटम के अंदर, और इसको बोलते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस। अब ड्यूरिंग डिसेंडिंग वास डिफरेंस जो होता है वो फोल्ड हो जाता है यूरेटर के ऊपर से। यहाँ पर देखेंगे आप, ये ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, और ये इस तरह से फोल्ड मूव कर गया, डाउनवर्डली मूव कर गया ओवर द यूरेटर, और जब इस तरह से मूव करता है तो वास डिफरेंस जो है वो लंबी हो जाती है। प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो इन अडल्ट के अंदर तो सिर्फ एक ही डक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में रहती है, जो सेकंड होगी वो डीजनरेट हो जाएंगी। अगर मेल की बात करेंगे तो वॉल्फियन डक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, मुलेरियन डक्ट नहीं है। फीमेल के अंदर रिवर्स हो जाएगा, मुलेरियन डक्ट एग्जिस्टेंस में होगी, उसमें डिफ्रेंशिएशन होएगा जो कि जेनाइटल डक्ट बनाएगी, और जो वॉल्फियन डक्ट होगी वो डीजनरेट हो जाएगी। मेल के अंदर क्योंकि वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर SRY जीन्स होते हैं, जो कि सर्टोली सेल जिनके कारण जो है मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ये सर्टोली सेल के द्वारा जो मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या जो मुलेरियन डक्ट है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाने वाली है उसको रिग्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब मुलेरियन डक्ट जो है वो डीजनरेट हो गई। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या आया, जो लेडिग सेल थे उन्होंने टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि अब देखिए ये सेल बन चुके हैं क्योंकि टेस्टिस की डेवलपमेंट हो गई। टेस्टिस की डेवलपमेंट होने के बाद हमने बताया जो मीजोडर्मल ओरिजन के लेडिग सेल्स होते हैं, जो सरफेस सेल होते हैं जो कि सर्टोली सेल बना रहे हैं, अब ये अपना सिक्रीशन सिक्रीट करने लगते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि हार्मोनल कंट्रोल है, एंडो जो ग्लैंड्स होती हैं उनके अंडर कंट्रोल रहते हैं, तो लेडिग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। अब जैसे ही टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होते हैं ये मीजोनेफ्रिक डक्ट की डिफरेंशिएशन को इंड्यूस कर देती है। अब जो वोल्फियन डक्ट है, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो वर्किंग में आ जाती है, और वो फिर डक्ट जो है एफरेंस डक्ट को कनेक्ट कर देती है रेटी टेस्टिस से, फिर सिफेलोकोडली अगर देखें डाउनवर्डली मूव करती है तो एपिडाइडमस डक्टस डिफरेंस सेमिनल वेसिकल और इजेकुलेटरी डक्ट तक जो है वो कनेक्शन बनाती हुई मूव करती है। अगर ये सब टेंटिकुलर जो सेल सिक्रीशन है, चाहे वो सर्टोली सेल का है चाहे वो लेडिग सेल का है, अगर वो ना हो, ठीक है, सपोज करो सर्टोली सेल का सिक्रीशन नहीं है तो वो क्या करेगी, वो मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस नहीं कर पाएगी, रिग्रेस नहीं कर पाएगी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाएगा। अगर टेस्ट जो लेडिग सेल है उनका सिक्रीशन ना हो तो क्या होगा, वो भी मीजोनेफ्रिक डक्ट को स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे और जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो बन जाएगा। तो ये सिक्रीशन जो है बहुत ज़रूरी है, इन चाहे वो लेडिग सेल का है सर्टोली सेल का, अगर वो है तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को डेवलप करने में हेल्प करेगा, अगर नहीं है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो डेवलप होगा। तो मेन जो ये हार्मोन है कि ये हार्मोन अगर सिक्रीट हो रहे हैं तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाएंगे, अगर ये नहीं हो रहे हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वो बन जाएगा। अब आती है मुलेरियन डक्ट। सेकंड जो डक्ट है रूडिमेंट्री डक्ट होते हैं जिसको मुलेरियन डक्ट बोलते हैं, ये अपर फीमेल जेनाइटल ट्रैक का प्रोजिनेटर होती हैं, ये भी इंटरमीडिएट मीजोडर्म से अराइज होती हैं। मुलेरियन डक्ट की फॉर्मेशन 3 phases में शुरू होती है, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन है, फिर इन्वेजिनेशन है, इलोंगेशन है। स्पेसिफिकेशन का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सिलोमिक एपिथीलियम
में एक क्लेफ्ट बनता है, एक क्लेफ्ट डेवलप होता है, जो कि जो जेनाइटल रिज होता है उसके सरफेस पर जो सिलोमिक एपिथीलियम है वहाँ पर ओरिजिनेट होती है अबाउट 5 to 6 weeks ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद। और ये जो क्लेफ्ट बनता है ये धीरे धीरे इसमें इन्वेजिनेशन होती है और ये बना लेती है इन्फंडिबुलर ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, और फिर जो है ये पेरिटोनियल कैविटी की तरफ मूव करती हैं अंडर द गाइडलाइन ऑफ मुलेरियन सॉरी वॉल्फियन डक्ट। ये देखिए यहाँ पर ये एक क्लेफ्ट बना, फिर इसकी इन्वेजिनेशन हुई और फिर इलोंगेशन हुई, ठीक है। और ये देखिए वॉल्फियन जो ब्लू कलर की आपको देखते हैं ये वॉल्फियन डक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली डाउनवर्ड मूव करती है, जो इंटरनल ओपनिंग है जो सुपीरियर ओपनिंग है वो बना देगी इनफंडिबुलम जो कि फेलोपियन, क्योंकि ये जो डक्ट की इन्वेजिनेशन हो रही है फेलोपियन ट्यूब बना रही है, तो ये जो ओपनिंग है ये बना रही है इनफंडिबुलम। जो पेयर्ड मेलोरियन डक्ट होती हैं वो डाउनवर्डली मूव करती हैं और यूरिनोजेनाइटल यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। और यूरोजेनाइटल जो साइनस है वहाँ तक पहुँचती हैं ड्यूरिंग, जब ये मुलेरियन डक्ट मूव करती हैं ये फेलोपियन ट्यूब बनाती हैं जो क्रेनियल एंड होता है, लेकिन मिड लाइन में आकर ये फ्यूज़ कर जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर मुलेरियन डक्ट, ये मुलेरियन डक्ट, ये यहाँ पर आकर जो है वो फ्यूज़ कर गई, फ्यूज़ कर कर ये बना लेती है यूट्रस, और फिर धीरे धीरे जो कोडल एंड होता है वो इस यूरोजेनाइटल जो वजाइनल पार्ट होता है उसके साथ जो है वो फ्यूज़ कर जाता है। जो अर्ली फीटल डेवलपमेंट है मेल की, जो सर्टोली सेल हैं जो एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो मुलेरियन डक्ट को डीजनरेट कर देते हैं, और जिसके कारण जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव बनना जो है वो बंद हो जाता है और मेल रिप्रोडक्ट। तो मुलेरियन एंटी मुलेरियन हार्मोन जो कि सर्टोली सेल के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं वो अर्ली स्टेज में अर्ली डेवलपमेंट में पता चल जाता है कि वो अगर मेल है तो वो एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रीट करेगा, मुलेरियन डक्ट जो है वो रिग्रेस हो जाएगी। फीमेल जो जेनाइटल डक्ट है उसमें हमने देख लिया कि वो तीन ओरिजन होते हैं, पहला कि जैसे उसमें टेस्टिस बनी गोनड्स में, इसमें जो जर्म सेल हैं वो ओवरी बनाते हैं, और वो जो पेरिटोनियल कैविटी की के जो मेसेनकाइम सेल रहते हैं उनकी योक सेल के अंदर सॉरी योक सेल जो होते हैं वो इन मेसेनकाइम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है वो माइग्रेट हो जाते हैं, और यही जो जर्म सेल होते हैं ये धीरे धीरे ओवा और स्पोर्टिंग सेल जो है वो बना लेते हैं। सेकंड जो होता है जो साइनोवेजाइनल बल्ब होता है, असेंडिंग साइनोवेजाइनल बल्ब जो है वो लोअर जो थर्ड पार्ट होता है वजाइना का वो बनाता है, यूट्रस है फेलोपियन ट्यूब है या अपर टू थर्ड ऑफ वजाइना जो है वो बनाया जाता है बाय मुलेरियन डक्ट। तो तीन ओरिजन हुए, पहला ओरिजन तो वही हुआ जेनाइटल डक्ट में जो प्राइमोडियल जर्म सेल है उन्होंने ओवरी बनाई, ठीक है। सेकंड जो है वो ओवरी फिर ओवा जो भी उनके अंदर स्पोर्टिंग सेल होते हैं वो सब बनाते हैं। सेकंड जो है साइनोवजाइनल जो बल्ब होता है वो उसकी असेंडिंग और मुलेरियन डक्ट आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और वो वजाइना का पार्ट बना लेते हैं। जो मुलेरियन डक्ट है दोनों साइड की मुलेरियन डक्ट जो है वो आपस में पहले क्रेनियल जो पार्ट होता है वो तो फेलोपियन ट्यूब बनाता है और जो मिड पार्ट जहाँ पर फ्यूज़ हो जाती हैं वो यूट्रस बना लेती हैं। ये जो कंप्लीट फॉर्मेशन होता है जेनाइटल ट्रैक का ये तीन स्टेजेस में हुआ, पहला हुआ फॉर्मेशन कि वहाँ पर जो मुलेरियन ट्यूब बनी, फिर उसकी जो है डेवलपमेंट हुई कि वो डिफरेंशिएट हुई इनटू ए फेलोपियन ट्यूब। अब अगर मुलेरियन ट्यूब में क्या अब नॉर्मेलिटी आ सकती है, कई बार क्या होता है कि एक ही मुलेरियन डक्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है दूसरी डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम यूनिकॉर्नुएट यूट्रस बोल देते हैं। कई केसेस के अंदर दोनों मुलेरियन डक्ट जो हैं वो नहीं बन पाती हैं, तो जिसके कारण
यूट्राइन एजेनेसिस की या हाइपोप्लाज्मिया, जो कि हमने इनफर्टिलिटी के कारण जब रीज़न पढ़े थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था, इनके कारण इनफर्टिलिटी के केसेस देखने को मिलते हैं। फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद फ्यूज़न हुई। फ्यूज़न दो तरह की होती है, लेटरल फ्यूज़न जब दोनों साइड से मुलेरियन डक्ट आती हैं, ठीक है, यहाँ से आई यहाँ से आई, उनका यहाँ पर फ्यूज़न हो गया। अब यहाँ से मुलेरियन डक्ट आई, यहाँ से मुलेरियन डक्ट आई और वो इस लेटरल साइड से फ्यूज़ कर गई। फ्यूज़ करके उन्होंने बना दिया यूट्रस, ठीक है। और इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें क्या होता है, अगर इस तरह का फ्यूज़न हुआ, ठीक है, लेटरल फ्यूज़न हुआ, जो बीच में सेप्टम बना वो डीजनरेट नहीं हुआ, तो क्या होगा, दोनों ट्यूब फ्यूज़ नहीं हुई तो अलग अलग ट्यूब जो हैं वो अलग अलग दो यूट्रस बना लेती हैं, जिसको बाई कार्नुएट या डाइडेल्फस जो यूट्रस है वो जान उसके नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है वर्टिकल फ्यूज़न। अब वर्टिकल फ्यूज़न में क्या होता है कि ये जो मुलेरियन डक्ट आ रही है, ये जो यूरोजेनाइटल साइनस है इनके साथ आपस में फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है, ये वर्टिकल फ्यूज़न कहलाएगा, ठीक है। असेंडिंग साइनोवजाइनल वाल्व जो है वो डिसेंडिंग जो मुलेरियन सिस्टम आता है उनके बीच में फ्यूज़न को हम वर्टिकल फ्यूज़न बोलते हैं। इसमें जो 1/3 पार्ट होता है वजाइना का वो मुलेरियन डक्ट के साथ फ्यूज़ होता है, जो 2/3 होता है वजाइना का पार्ट जो है वो इस बल्ब से जो है वो बनता है। कंप्लीट जो वर्टिकल फ्यूज़न होता है तो वो बनाती है कंप्लीट पेटेंट वजाइना, लेकिन अगर इनकम्प्लीट वर्टिकल फ्यूज़न हो तो इम्परफोरेटेड हाइमन जो है वो बनता है। थर्ड स्टेप होता है सेप्टल रीजॉर्प्शन। इसमें क्या होता है कि जो मिडल पार्ट होता है फ्यूज मुलेरियन डक्ट का वो सेप्टम बना लेता है। नॉर्मली जब दो डक्ट आपस में फ्यूज़ होएगी तो सेप्टम बनेगा और ये सेप्टम जो है रिजॉर्प्ट हो जाता है और एक सिंगल यूटेराइन कैविटी और सर्विक्स बना लेता है। अगर ये ना हो तो क्या होगा कि या तो यूट्रस जो है वो इनकम्प्लीट होगा या पार्शली कम्प्लीटेड फॉर्म में जो है वो बनेगा। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल जेनिटल डक्ट। थैंक यू।